छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन हर विधानसभा से धोखे सामने आ रहे हैं और वही टिकट के दावेदार ने पार्टी के सीनियर नेताओं से चिंता उनकी बढ़ा दी है। अब दावेदारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। सिकुड़ा शिकायत का दौर भी पार्टी के नेतृत्व का और नेतृत्व तक अभी तक पहुँचने लगा है। लगातार ये देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं संदीप साहू, आज कुछ भाइयों के द्वारा मेरे नाम की वॉल राइटिंग रायपुर दक्षिण में की गई है। अब मैं यही संदीप साहू का है या किसी और संदीप साहू का मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है रायपुर दक्षिण में कोई और संदीप साहू टिकट मांग रहा हो, तो मैं चाहता हूं कि वो भाई सामने आए और पता चले कि ये कोई संदीप साहू है जो रायपुर दक्षिण से टिकट मांग रहा है। फिलहाल मैं वो संदीप साहू नहीं हूँ जिसका आप लोग ये सोच रहे हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस वीडियो से तो समझ आया कि कांग्रेस में दावेदारी को लेकर जंग के हालात बन गए। तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री के दर्जे वाले नेता दावा कर रहे हैं उन्हें विधानसभा से किनारे लगाने के लिए दूसरे विधानसभा में उनके नाम से फर्जी वॉल राइटिंग कराई जा रही है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिनों पहले बलरामपुर रामानुजगंज क्षेत्र से सामने आया था, जहां कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ वहीं के कार्यकर्ता ने वॉल राइटिंग करा दी। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया और संबंधित नेता को नोटिस जारी कर दिया। दरअसल ये सिर्फ रायपुर या बलरामपुर का एक मामला नहीं है, इस तरह की स्थिति कांग्रेस में पूरे प्रदेश में बनी है। इतना ही नहीं, टिकट की चाह वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील होती दिख रही है। भाजपा इस स्थिति पर तंज कस रही है, जबकि कांग्रेस नेताओं को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। दावेदारी तो होती है और ये हमेशा हम कहते हैं कि केवल दावेदारी आपका अधिकार है, टिकट मिलना तो ये पार्टी का देना पार्टी का अधिकार होता है और सब मिलकर काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है, कांग्रेस में पूरी तरीके से सामंजस्य की स्थिति है। हमारे पास हर विधानसभा क्षेत्र में दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा, उत्साह का वातावरण है। अब हमारे नेतृत्व को, हमारी चयन समिति को तय करना है कि जो योग्य उम्मीदवारों की बहुलता उसमें सर्वोत्तम का चयन करना है, और यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारे यहाँ कहीं विधायक हो गए इसका मतलब नहीं कि बाकी सारे लोगों का दावेदारी समाप्त हो गई। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता पार्टी के फोरम में अपने दावेदारी कर सकता है। टिकट को लेकर दावेदारों के सिर्फ उठावल को भले ही कांग्रेस लोकतंत्र का नाम दे रही हो, लेकिन चुनाव के पहले ही दावेदारों के बीच लगातार सामने आ रहे विवाद की खबरों ने सीनियर नेताओं को परेशान कर दिया है। इसलिए कांग्रेस टिकट वितरण से पहले सर्वे और क्षेत्र में जनाधार का हवाला देती हुई नजर आ रही है। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।